तो विकास दुबे का दी एंड तो हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े लगातार कई सवाल भी उठ रहे हैं। और इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त उज्जैन से मिल रही है, जहां एएसपी रुपेश द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। रुपेश कुमार द्विवेदी ये बोलते हुए नजर आए कि विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो एएसपी रुपेश द्विवेदी का वीडियो वायरल, और उसमें उन्होंने कहा कि विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा मेरा सोचना है। पहुंचेगा ना सबसे पानी से? आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं नहीं चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, ये वीडियो हम देख रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना कि आई होप कि वो ना पहुंचे, क्या मायने हम निकालें? बिल्कुल करिश्मा, जिस प्रकार कल महाकाल मंदिर में जो जिन सारे विकास दुबे जो महाकाल मंदिर के बाहर से चुके थे, जो गिरफ्तार हुआ, तब से लेकर ही जो आला अधिकारी थे, चाहे उसमें एडिशनल एसपी हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, सभी वहाँ तो उससे पूछताछ करने के लिए एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया था, जहाँ मीडिया को पूरी तरीके से उन्होंने दूर रखा था। न तो किसी भी मीडियाकर्मी का वो फोन उठा रहे थे, और ना ही वहाँ से किसी भी प्रकार की विकास दुबे के बारे में जानकारी दे रहे थे। तो इस तरह की जो सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक उन्होंने मीडिया से ये कुछ जो बातें हैं वो सामने सिर्फ आती रही, और जिस प्रकार उनका पूछताछ करने का जो तरीका था या मीडिया को नहीं बताने का तरीका था, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि पुलिस किस तरीके से उसमें लिप्त हो सकती है। हम नहीं, लेकिन ये जिस प्रकार उन्होंने मीडिया को ब्रीफिंग नहीं किया और रात को अचानक से मीडिया के सामने एडिशनल एसपी आते हैं, एसपी आते हैं, खुलासा करते हैं, तो खुलासे में भी वही चीजें आती हैं जो पहले से ही मीडिया काफी कुछ बता चुका है। और जिस प्रकार रुपेश एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी है, वो मीडिया से जो बाहर से जो मीडिया कर्मी आए थे उनसे बातचीत करते हुए, अनऑफिशियली बातचीत करते हुए, जब मीडिया सवाल करती है कि द्विवेदी विकास दुबे कानपुर तक पहुंच पाएगा, तो उनका यही सीधे सीधे वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें यही कह रहे हैं कि आई होप कानपुर तक ना पहुंचे। तो इसके मायने कहीं ना कहीं बड़े हो सकते हैं कि और भी इनके साथ जो वरिष्ठ अधिकारी, उनको भी ये नॉलेज हो कि कानपुर तक ये नहीं पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल संतोष, कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, और जो वीडियो वायरल अब हुआ है इस पे भी अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका बोलने का इसमें मतलब क्या था, और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि इस पे आप कैसे सियासत गरमाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के। नहीं।